आम तौर पर लोग जो हमारे समाज में ही मौजूद है वो दाढ़ी बढ़ाने को सही नहीं मानते हैं, इसलिए वो लोग दाढ़ी को क्लीन शेव करवा कर क्लीन शेव में रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक ताज़ा अध्ययन में जो खुलासा हुआ है वो आपको हैरान कर देगा। एक रिसर्च में ये सामने आया कि दाढ़ी रखने वाले लोग कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। ये रिसर्च अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा की गई, जिसमें दाढ़ी रखने से कई तरह के फायदे बताए गए हैं, जैसा कि दाढ़ी चेहरे के आखिरी हिस्से से शुरू होता है और उसमें बाल घुमावदार होता है। कुछ लोगों को दाढ़ी रखने का भय होता है, कुछ लोगों को तो ये भी कहते हैं कि दाढ़ी रखने से कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है। दाढ़ी रखने से इन्फेक्शन होता है और तरह तरह के बातें उठाते हैं। पहले ये रिसर्च किया गया था कि दाढ़ी रखने वालों के काफी फायदे, बैक्टीरिया पैदा होते हैं या नहीं, लेकिन अमेरिका की एक हॉस्पिटल दाढ़ी रखने वालों के काफी फायदे, बैक्टीरिया उत्पाद होते हैं। लेकिन अमेरिका के एक हॉस्पिटल में हुई एक रिसर्च ने सबको चौंका दिया है। अमेरिका के एक वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रिसर्च को जर्नल और हॉस्पिटल इन्फेक्शन ने छापा है। ये शोध एक हॉस्पिटल में किया गया जिसमें 408 स्टाफ के चेहरे पर क्लीन शेव किया गया। क्लीन शेव करने का मकसद वैज्ञानिकों का साफ ये था, वो जानना चाहते थे कि क्लीन शेव रख कर दाढ़ी रखने वाली जगह पर बैक्टीरिया लगते है या नहीं। वैज्ञानिकों द्वारा ये जानकारी हैरान करने वाली थी। क्लीन सेव वाले लोगों को दाढ़ी रखने वाली जगह पर तुरंत चेहरे पर अजीब सी तकलीफ हुई। यह तकलीफ उन बैक्टीरिया के कारण हुई जो हॉस्पिटल और हर जगह मौजूद रहते हैं। और क्लीन सेव करने वालों के चेहरे पर मिथाइसियन रेसिमेंट स्टाफ एनआरएस पहले के मुताबिक 3 गुना अधिक में पाया गया, जिसका मतलब साफ था कि दाढ़ी रखने वाले फायदे में रहते हैं। उन्होंने दाढ़ी रखना भी वाजिब बताया। वैज्ञानिकों ने कहा कि क्लीन शेव करने वाले लोगों में सुमक्ष क्षेत्र और खलोचे होती हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया को पनपने में समय मिलता रहता है और क्लीन शेव उन बैक्टीरियों को पर्याप्त स्थान देती रहती है, इसलिए दाढ़ी रखने वाले लोगों की इस जगह पर बैक्टीरिया नहीं पड़ते और वो काफी हानिकारक चीजों से बचे रहते हैं। इस्लाम धर्म में दाढ़ी रखना सुन्नत है। इस्लाम धर्म में मौजूद अधिकतर लोग दाढ़ी रखते हैं। इस्लाम में 1400 साल पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने को सुन्नत करार दिया गया था। इस्लाम में हर वो चीज जिसे दुनिया फालतू मानती है उसे आज वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च से आज पता चल रहा है कि वो सारी चीजें फायदेमंद और सेहत के लिए काबिले कबूल है। इसी तरह बने रहें हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, गुड बाय।